जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है और आपको क्लेम मिलने में परेशानी होता है। मतलब जो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, चाहे बाइक है, कार है या फिर किसी प्रकार की कोई भी वाहन है आपके पास, और वो चोरी हो जाता है और आप बीमा कंपनी को क्लेम करते हैं, लेकिन क्लेम लेने में परेशानी होती है। बीमा कंपनी कोई बहाना कर देता है, कोई परेशानी खड़ा कर देता है, तो आप कैसे क्लेम लेंगे, इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है, इस पर पूरी चर्चा करूंगा। आपके पास अगर किसी प्रकार का वाहन है, चाहे बाइक है, कार है या फिर कोई भी गाड़ी आपके पास है, तो इस वीडियो को देखना आपके लिए जरूरी है। हो सकता है आपकी गाड़ी नहीं चोरी हुई हो, लेकिन भविष्य में अगर ऐसा होता है तो कैसे आप क्लेम ले पाएंगे कानूनी तरीका से, या फिर किसी के साथ ऐसा होता है तो आप उसे बता भी सकते हैं, तो आपके लिए जानकारी रहना बहुत जरूरी है। आप जानते होंगे कि इंश्योरेंस जो होता है किसी भी गाड़ी का, दो प्रकार का होता है, एक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। भारत में लागू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत देश में जितनी भी गाड़ियां चल रही है, चाहे वो बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, ऑटो हो, कोई भी गाड़ी हो, उसका इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है। तो इंश्योरेंस दो प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया, एक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में होता क्या है कि आपकी गाड़ी किसी गाड़ी से टकरा जाता है या आपके गाड़ी से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्लेम उस व्यक्ति को मिलता है जिसका क्षति होता है, जिसकी गाड़ी का क्षति होता है या फिर किसी व्यक्ति को क्षति होता है, तो उसके द्वारा क्लेम किया जाता है और वो इंश्योरेंस की राशि, जो बीमा की राशि है, उसको मिलता है, जिसका प्रोसेस अलग है। लेकिन जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है उसमें है, जो गाड़ी मालिक है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है जो गाड़ी चला रहा है, या फिर वो गाड़ी चोरी हो जाता है, तो किसी भी स्थिति में आप क्लेम कर सकते हैं। मैं सारी जानकारी आपको दूंगा, सारी प्रक्रिया बताऊंगा, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, नीचे जो लाइक का बटन है उसे टच करके आप लाइक कर दे। बाकी सीधा टॉपिक पर हम आ रहे हैं। देखिए होता क्या है कि इंश्योरेंस जो दोनों प्रकार का मैंने आपको बताया, तो फर्स्ट पार्टी जो इंश्योरेंस होता है वो थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि उसमें गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, गाड़ी जो चला रहा है उसका इंश्योरेंस रहता है, प्लस आपके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उसका भी इंश्योरेंस रहता है, प्लस गाड़ी चोरी हो जाती है उसका भी इंश्योरेंस रहता है, मतलब सबका इंश्योरेंस कवर करता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई या फिर आपकी गाड़ी की लूट हो गई, मतलब किसी ने छीन लिया, आपके गाड़ी को लूट लिया, आपके गाड़ी को लेकर चला गया, तो उस स्थिति में आपको करना क्या है, तो उस एरिया का थाना हो, पुलिस चौकी हो, वहां पर आपको जाना है और वहां पर आपको रिपोर्ट दर्ज करवाना है, वहां पे आपको रिपोर्ट दर्ज करवाना है। अब होता क्या है, अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ी के मामलों में आप रिपोर्ट दर्ज कराते हैं थाने में, पुलिस स्टेशन में, तो होता क्या है कि इसमें पुलिस आनाकानी करती है, जल्दी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, लेकिन आपको रिपोर्ट दर्ज करवाना है। जब रिपोर्ट दर्ज पुलिस कर लेती है, क्यों रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, क्योंकि पुलिस अपने स्तर से पहले छानबीन करती है, आप इंफॉर्मेशन उनको देते हैं, कोई आवेदन देते हैं, तो उस पर पहले वो छानबीन करती है, अपने हिसाब से जांच करती है। जब उन्हें लगता है कि गाड़ी नहीं मिला, गाड़ी हासिल नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला, अगर गाड़ी मिल जाता है, अंदर में आ जाता है, वो पता लगा लेती है, तो आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है, कुछ कानूनी प्रक्रिया के साथ आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है। लेकिन गाड़ी नहीं मिलता है, तब जाकर पुलिस क्या करती है, आपका रिपोर्ट दर्ज करती है। दंड प्रक्रिया संहिता 154 के तहत रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है वो, लेकिन होता क्या है, उन्होंने तो पहले भी प्रयास किया है, फिर प्रयास करती है पुलिस, छानबीन करती है, पता लगाती है, उनसे जितना हो सके वो ताकत लगाती है, लेकिन फिर भी गाड़ी का रिकवरी नहीं होता है, पता नहीं चलता है किसने चोरी किया है, कुछ भी उन्हें आइडिया नहीं मिलता है, तो क्या करती है पुलिस, लास्ट में जब नहीं मिलता है गाड़ी, प्रयास करती है, थक जाती है पुलिस, तो क्लोजर रिपोर्ट इस मामले में पुलिस दे देती है। अब जब कोर्ट में आपका क्लोजर रिपोर्ट चला जाता है और उसके बाद कोर्ट का जो आदेश होता है वो कॉपी आपको मिल जाता है, ये सारी प्रक्रिया होने के बाद क्लोजर रिपोर्ट और कोर्ट का आदेश लेकर आपको बीमा कंपनी में जाना होता है, जहां से आपका इंश्योरेंस है उसके ऑफिस में जाएंगे, उसके ब्रांच में जाएंगे, और वहां आपको क्लेम करना होता है। जब क्लेम आप करेंगे तो बीमा कंपनी में क्लेम के लिए जो आवेदन देते हैं आप, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रक्रिया नहीं है, जो आपको क्लोजर रिपोर्ट आपको मिल गया, न्यायालय का आदेश मिल गया, तो इन दोनों के साथ एक साधारण सा आवेदन आपको देना होता है, एक सिंपल सा आवेदन आपको लिख के देना होगा, या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी का एक फॉर्मेट होता है वो भर के आप वहां पर देंगे, तो उसके बाद बीमा कंपनी उस पर प्रक्रिया चालू कर देती है। बीमा कंपनी न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आपका जो क्लेम है, क्लेम देने का प्रक्रिया में लग जाती है। एक बीमा कंपनी और वाहन मालिक दोनों का रिश्ता सेवादाता और ग्राहक का होता है, इसीलिए इस मामले में
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू होता है। दोस्तों इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, अगर इस वीडियो में कुछ छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसके जवाब में भी वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा ले, लेकिन पहले से आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, इसके लिए आभारी हूँ आपका, धन्यवाद देता हूँ आपका। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।